खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। विराट कप की है, विराट कवरेज जारी है। कपिल देव, संदीप पाटिल और वीरेंद्र सहवाग जो कि लंदन से वीरू हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शकों, आपके लिए एक जानना बहुत जरूरी है कि आज जब भारत अपना पहला मैच खेलने उतर रहा है तो ये मैच क्यों भारत के लिए अहम हो जाता है। कुछ दिलचस्प आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके जरिए समझ में आएगा कि आज के मैच में अगर भारत जीतता है या अच्छा खेलता है तो इस प्रॉस्पेक्ट्स कितने बढ़ जाते हैं। पहला मैच है ये भारत के लिए वर्ल्ड कप का, और इस वर्ल्ड कप में अगर भारत अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो ग्राफिक्स को अगर दिखाया जाए, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि अगर भारत ने वर्ल्ड कप में पहला मैच जीता तो सेमीफाइनल तक वो हमेशा पहुंचा है। तो अगर आज का मैच हिंदुस्तान जीतता है तो उस टोटके के मुताबिक, इस बात के मुताबिक कि सेमीफाइनल तक भारत के पहुंचने के रास्ते आसान हो जाएंगे। 1983 में ऐसा हुआ है, 1996 में ऐसा हुआ है, 2011 में ऐसा हुआ है, 2003 में ऐसा हुआ है, और इनमें से भारत ने दो वर्ल्ड कप जीते हैं, एक बार फाइनल खेला है 2003 में, और एक ही बार केवल ऐसा हुआ है जब भारत वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाया था फाइनल पहुंचकर भी। अब कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो पहला मैच भारत जीतता है तो भारत के लिए उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वीरू मेरे साथ है, संदीप पाटिल मेरे साथ हैं, कपिल देव हैं। वीरू, ये बात हम सब समझते हैं कि साउथ अफ्रीका टीम का मोराल बहुत डाउन है, बांग्लादेश से मैच हारे हुए हैं, पहला मैच इंग्लैंड से हारे हुए हैं, डेल स्टेन बाहर हो चुके हैं, एनगिडी शायद खेलेंगे नहीं, इन परिस्थितियों में क्या भारत को अपर एंड है? जी, भारत को अपर एंड जरूर है, लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा कि हम लोग जितने भी वर्ल्ड कप खेले उसमें शायद एक ही बार ऐसा हुआ है कि हम लोग साउथ अफ्रीका को हरा पाए हैं, शायद 2015 का वो वर्ल्ड कप था। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम है, वो दो मैच हारी जरूर हुई है लेकिन वो कम बैक करना जानती है, तो हमें अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाना होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और ये आंकड़े जो अभी आपने बताए, ये आंकड़े शायद खेलने के बाद बनते हैं कि अगर आज भारत पहला मैच हार भी गया तो आप ये कह रहे हैं इन आंकड़ों के हिसाब से तो भारत सेमीफाइनल ही पहुँचेगा, जो कि शायद मुश्किल लग रहा है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि भारत कोशिश करता है कि जब भी वो खेले सारे मैच जीते और कोई भी मैच ना हारे। बिल्कुल, मैं आप रहिए मेरे साथ। जीएस विवेक हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी इस वक्त लंदन में है, उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की। कपिल पाजी, आप भी जरूर देखिएगा कि मैच कंडीशंस कैसी हैं, फिर आपसे सवाल लेता हूं। विवेक की ये रिपोर्ट देखते हैं। एक बार फिर जीत के चाबी होंगे विराट कोहली। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो सबसे ज्यादा फॉर्म में है, बल्कि उनका वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। विराट कोहली ने अब तक दो वर्ल्ड कप खेले हैं और दोनों ही वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में, यानी कि 2011 बांग्लादेश के खिलाफ और 2015 पाकिस्तान के खिलाफ, विराट कोहली ने अपने पहले विश्व कप के मैचेस में 11 और 15 में 100 किया है। विराट कोहली भी इस बात को जानते हैं और वो कह रहे हैं कि काफी अच्छा रिकॉर्ड है और अच्छा लगता है कि वो पहली बार भारत के लिए विश्व कप में कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं बतौर कप्तान और बल्लेबाज। चुनौतियों की बात के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 में से 6 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने जीते हैं, लेकिन जहां पर विश्व कप आ जाता है तो भारत ने सिर्फ एक मैच जीता है पिछले 4 मुकाबलों में। वहीं अगर हम यहां पर कंडीशंस की बात करें तो कप्तान विराट कोहली के लिए काफी दिक्कतें आएंगी क्योंकि अब तक जो भी मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा वो टीमें जीती हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाजी किया है। आमतौर पर टीम इंडिया चेस करना पसंद करता है तो वहां पर एक दिक्कत जरूर आएगी। और रही बात यहां पर कंडीशंस की, हैम्पशायर बॉल के बाहर मैं खड़ा हूं, धूप अच्छी खिल रही है लेकिन कल पूरे दिन यहां पर शाम से लेकर रात तक बारिश हुई है। मैच समय पर जरूर शुरू होगा लेकिन आज के मैच में भी अनुमान यह है कि बीच बीच में शायद बारिश की वजह से बाधा पड़े, मैच में थोड़ा क्लाउडी रहे, और इसीलिए आपका प्लेइंग 11 क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। विराट कोहली इस बात को जरूर मानते हैं कि ये मुकाबला 10:30 सुबह शुरू हो रहा है। आमतौर पर क्रिकेट के मैच या तो दोपहर के 2 शुरू होते हैं या फिर सुबह 9, 10:30 का मुकाबला है। इसीलिए विराट कोहली ने कहा कि भले ही टीम इंडिया सबसे आखिरी टीम है इस वर्ल्ड कप में जो अपना मुकाबला शुरू करेगी, लेकिन एक तरफ से उनके लिए फायदा भी है क्योंकि वो जान चुके हैं कि 10:30 का स्टार्ट कितना डिफरेंट होता है। साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि मिडिल ओवर्स में टीमों को कैसे खेलना है, इनिंग्स का पेस कैसा हो रहा है, और साथ ही साथ
वो ये भी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका लगातार दो बार विश्व कप में हार चुकी है, जो कि अब तक विश्व कप में कभी नहीं हुआ। आमतौर पे हम दक्षिण अफ्रीका को चोकस के नाम से जानते हैं, लेकिन चोकस इसलिए क्योंकि वो ऐन मौके पे हार जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने पहले ही दो मुकाबले विश्व कप में हार जाएं। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ जीएस विवेक। जीएस की ये रिपोर्ट आपने देखी लंदन से। वीरू, मेरा सीधा सवाल आपसे है, पूरी रिपोर्ट आपने सुनी, इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या चोकर्स आज भी चोक करेंगे? देखिए, वो कमबैक जरूर करेंगे क्योंकि स्ट्रांग टीम है साउथ अफ्रीका, जितने भी बड़े देश हैं, बड़ी टीमें हैं, वो कमबैक करना जानती है, अच्छा खेलना जानते हैं। लेकिन भारत को ये ध्यान में रखना होगा, भारत को अपना गेम प्लान के हिसाब से खेलना होगा, क्योंकि ये एक बात ज़रूर सही रही है कि इस वर्ल्ड कप में जब दो बड़ी टीमें भिड़ी हैं तो जो पहले बल्लेबाजी की है जिसने, वही टीम जीती है। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमें याद है वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था, भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की थी और पाकिस्तान ने 330 के करीब का टारगेट दिया था और भारत उसको चेज नहीं कर पाया। तो ये भी ध्यान में रखना होगा, जब दो बड़ी टीमें खेलती हैं तो जितना कम दबाव में बल्लेबाजी करे उतना बेहतर रहता है। साउथ अफ्रीका ने दोनों मैचों में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की और दोनों बार 300, एक बार 311 रन बनवाए, एक बार 330 रन बनवाए और दोनों मैच वो हारा, चेज नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना होगा विराट कोहली को, अगर आज वो भी टॉस जीतते हैं तो पहला मैच है, क्योंकि अगर आप पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं तो सभी बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, अगर जीत गए तो पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कपिल, आपसे पूछता हूँ, टॉस जीते तो बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े भी ये कहते हैं कि बड़ा सपाट विकेट है, 300 प्लस स्कोर होता है। देखिए, मैं कभी भी इन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, आप कंडीशन देखिए, पिचेस देखिए, कहाँ पर मैच हो रहे हैं। शायद ये आंकड़े ऑस्ट्रेलिया में साबित ना हो जब पिछली वर्ल्ड कप हुआ या उससे पहले इंडिया में हुआ, तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है कहना। हाँ, हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं लेकिन मैं इतना इसके ऊपर गौर नहीं करूँगा। आज की परिस्थिति देखो, क्या सिचुएशन है, आपकी टीम 4 साल पहले क्या थी, आज क्या है, इन सारी चीज़ों को देखकर आप अपनी गट फीलिंग के ऊपर खेले। ये मत सोचें कि उस समय ये हुआ था तो हमें ये करना चाहिए, नहीं। आज टीम कैसी है, आपकी बेहतर टीम है, आप चेज करें या आप पहले बल्लेबाजी करें, आपको मैच जीतना है और आपकी गट फीलिंग क्या है कैप्टन की, और आप अनुमान लगाएं क्या होना चाहिए, उसके ऊपर खेलिए। आप पिछले आंकड़ों के ऊपर मत खेलें तो बेहतर होगा। संदीप, योर कमेंट्स। मुझे लगता है ये सारा खेल विश्वास का है, अगर आपकी ताकत बल्लेबाजी है या आपकी ताकत गेंदबाजी है तो दबाव कहाँ पे डालना चाहिए। जैसे वीरू ने भी कहा, जैसे कपिल भी कह रहे हैं कि अगर आपने पिछले दो मैच में जो शुरुआत दो मैच साउथ अफ्रीका हारे हैं और बैटिंग बाद में की थी, चेस आसान नहीं रहा था, तो ऐसे में मुझे लगता है कि वही दबाव अगर कायम रखे इंडिया, अगर बैटिंग पहले करे, क्योंकि जब बड़ी टूर्नामेंट होती है, बड़ा मैच होता है, तो कितनी भी टोटल हो, चाहे छोटी टोटल हो या बड़ी टोटल हो, उसको चेस करना, उसको पा करना इतना आसान नहीं होता। और ख़ास करके जो विश्वास आज कम विश्वास में कहूँगा, जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी में दिख रहा है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका इतना भी, ये भी सोचिए कि जब आपने ये कहा है कि क्या होना चाहिए, ड्रेसिंग रूम में ये बात नहीं होनी चाहिए अगर टॉस हार गए तो हम थोड़ा कमजोर होंगे, नहीं। वो आपको कैप्टन और ये टॉस जीते हारे उसकी चिंता नहीं है, आप जो दोनों गेम प्लान तैयार होने चाहिए, कोर ग्रुप है उससे बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी टीम में ये बात नहीं होनी चाहिए अगर टॉस जीत के तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसी सोच टीम में लाओ, जो संदीप ने कहा कि ये सोच की गेम है, सूझबूझ की गेम है, आप पॉजिटिव सोचो, कोई भी सिचुएशन हो आपको जीतना है। माइंड गेम है, प्रेशर गेम होता है, वर्ल्ड कप है, पहला मैच है, हमारे लड़कों पर भी बहुत प्रेशर होगा, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, कुलदीप जैसे, युजवेंद्र जैसे, मैं आपसे, आप जब 83 के वर्ल्ड कप में गए कपिल भाजी, प्रेशर कितना प्रेशर था फाइनल जब आप खेल रहे थे? प्रेशर और प्लेजर में बहुत फर्क है, क्या आप मजे लेने के लिए खेल रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस लगे, अगर आप प्रेशर में ही खेल रहे हो तो आप कभी भी नहीं, कोई भी क्रिकेटर को बोल दो कि जाओ आप इंजॉय करो, नेचुरल गेम खेलो, आपका बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि प्रेशर नहीं होता,
प्रेशर से ज्यादा क्या आपको खुशी है वर्ल्ड कप खेलने की, आपको प्लेजर है, आप मजा कर रहे हैं, मजा करते हुए जो परफॉर्मेंस आती है उसका रिजल्ट अलग आता है। यही कहा था कपिल देव जी, बिल्कुल आज भी वही कह रहे हैं। 36 साल हो गए, पहली मैच हमारी वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, आखिरी मैच भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, लेकिन जो बात कपिल ने अभी कही है वो 36 साल पहले भी यही बात की, राइट, जो विश्वास जगाया। हम भी पहली दफा खेल रहे थे वर्ल्ड कप, लेकिन हमारे जैसे खिलाड़ी अगर हमारे कपिल जैसा कप्तान हो, मानिए सीनियर खिलाड़ी भी थे सुनील गावस्कर, किरमानी और मोहिंद्र अमरनाथ, लेकिन कप्तान में जब विश्वास होता है और कप्तान अपने खेमे में वो विश्वास जगाता है पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक, तब ये नतीजा, तब वर्ल्ड कप हाथ में आता है। बिल्कुल वीरू, आप क्योंकि आप भी उस टीम का हिस्सा थे जिसने वर्ल्ड कप उठाया 2011 में वानखेड़े में मुंबई में, प्रेशर बहुत होता होगा ये हमको लगता है, और प्रेशर को छोड़कर प्लेजर का करना, इंजॉय करना, तभी 17 पर 5 अगर आउट होगा जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ और कप्तान आता है और वो उसमें प्लेजर ढूंढता है और 175 रन की शानदार पारी खेलता है, विराट क्या मंत्र सिखाएंगे, रवि शास्त्री क्या मंत्र सिखाएंगे अपने प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 को? देखिए वो ये ज़रूर वर्ल्ड कप ज़रूर है, लेकिन वो अपनी टीम को ये भी कहना चाहेंगे कि ये भी एक इंटरनेशनल मैच है और एक इंटरनेशनल मैच की तरह खेलें, जितना कम दबाव लेके खेलेंगे उतना बेहतर, जितना आप इंजॉय करेंगे इस गेम को जितना, क्योंकि आपने अभी तक तैयारी जो की है, प्रैक्टिस जो की है, शायद अब उसका समय आ गया है एग्ज़ाम्स देने का, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ इसी माइंड सेट से जाएंगे कि आप जाइए, आप इंजॉय कीजिए, अपना 100% एफर्ट मारिए। जब जब 11 खिलाड़ियों ने मिलकर 100% एफर्ट दिया है तब तब रिजल्ट इंडियन टीम के फेवर में ही आया है, चाहे वो 1983 की टीम हो, चाहे वो 2011 की हो, चाहे 2019 की टीम। बिल्कुल, और हम ये विजुअल्स लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि अब साउथहैम्पटन स्टेडियम के बाहर पूरी तरीके से माहौल जो है वो इलेक्ट्रीफाइंग हो गया है, भारतीय फैन पहुंच गए हैं, सबसे बड़ा तिरंगा, करीब 10 मीटर लंबा तिरंगा लेकर ये फैंस पहुंचे हैं, वहां से रिएक्शंस आ रहे हैं, इंडिया इंडिया की नारेबाजी हो रही है, और ये सब वही संभव होता है जहाँ पे क्रिकेट को हिंदुस्तान में बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है, खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। खबर अब आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है, टीम इंडिया ने अपना होटल छोड़ दिया है, स्टेडियम के लिए निकल चुके हैं, किसी भी पल टीम इंडिया स्टेडियम में पहुंचेगी, शुरू में वार्म अप होगा, फिर टॉस होगा, फिर टीम सामने आएगी और फिर मैच शुरू होगा। मैं वही कपिल देव, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये दर्शकों के लिए एक एक चीज जानना बहुत जरूरी है, आप प्लेयर हैं, आपको नहीं पता लगता कि हम लोगों के अंदर कितनी जिज्ञासा होती है, जब आप टीम के लिए निकलते हैं, जब आप बैठते हैं कैप्टन कोच में आके बस में आके, वहीं से प्रेशर शुरू हो जाता है, वहीं से प्रेयर शुरू हो जाती है। ये शुक्र है बस मिलनी शुरू हो गई, नहीं तो अपना अपना बैग उठा के आप टैक्सी ढूंढते हो, मुझे वर्ल्ड कप खेलने जाना है, ऐसा भी होता रहा। 83 में हमें बस मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो पब्लिक सोचती है या हवन कर रहे हैं या पाठ पूजा हो रही है, ये सही, बहुत अच्छा है, आप अपने तरीके से करो, लेकिन आप संतुलन अपना बना के रखो। आप निकले हो एक बड़ा मैच, जैसे वीरू ने बोला कि ये बड़ा मैच है, जाके आप अपना एंजॉय करो, एक्सप्रेस करो, खेलने का तरीका वही होना चाहिए जैसे वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रेशर लोगे, वो प्रेशर रिलीज कौन करेगा सबसे ज़्यादा, शायद आज रवि शास्त्री के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना रिलैक्स कर सकता है, चाहे कहने के बावजूद भी हम कहें रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत थोड़ा टीम में टेंशन भी हो सकती है, थोड़ा सा सोच बदल सकती है, लेकिन ये कोच के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप रिलैक्स करें और उनको बोले जाके अपना नेचुरल गेम खेलो, जस्ट इन्जॉय योर सेल्फ। बिल्कुल, और ये वीरू ये जो बात हो रही है, जस्ट इन्जॉय योर सेल्फ, कपिल पाजी जो कह रहे हैं, जाहिर तौर पर ये हो रहा है, लेकिन आप तीनों लोग रवि शास्त्री और विराट कोहली के साथ खेल चुके हैं, आप जानते हैं, रवि शास्त्री को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्या रवि शास्त्री अपने स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि वो खुद स्पिनर है? क्या वीरू आपको लगता है कि स्पिनर्स को ज़्यादा तरजीह मिल सकती है आज के मैच में, जैसा कि आप कह भी रहे थे चहल को और यादव को?
देखिए सुमित, आप चाहे तेज गेंदबाज हों, स्पिन गेंदबाज हों या बल्लेबाज हों, जब आप एक टीम के कोच बन जाते हैं तो आप ये तीनों चीज़ें भूल जाते हैं। तब आप एक वो प्लेइंग 11 बनाना चाहते हैं जिसका रिजल्ट बेहतर निकल सके और उन डिजर्विंग खिलाड़ियों को खिलाएंगे जो शायद बेहतर प्रदर्शन करें ग्राउंड में जाकर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कोच ये सोचता होगा वो स्पिन है तो स्पिन को ज़्यादा। हाँ, ये दोनों शायद अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो ये ज़रूर हो सकता है। इन दोनों को विश्वास जताने के लिए, इनके ऊपर भरोसा जताने के लिए उनके साथ बातें ज़रूर की जाएँ, उनको उनका उत्साह बढ़ाया जाए और उन्हें शायद ज़्यादा मौके दिए जाएँ तो वो ज़रूर कहेंगे। क्योंकि रवि शास्त्री जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि वो पेप टॉक बहुत अच्छी देते हैं, तो शायद अब समय आ गया है उनकी पेप टॉक्स का इस वर्ल्ड कप के कारण, इस वर्ल्ड कप में, कि वो अच्छी अच्छी पेप टॉक्स दें इंडियन टीम को, ताकि वो उनका जो प्रेशर, जैसे कपिल पाजी ने कहा कि कोच का फ़र्ज़ बनता है कि प्लेयरों के ऊपर से दबाव हटा दें, और वो रवि शास्त्री जानते हैं कैसे हटाया जा सकता है। बिल्कुल वीरू, एक सवाल और लूंगा इसके पहले कि संदीप के आपके पास जाऊं। आप पेपटॉक की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने हिंदी फिल्म देखी चक दे इंडिया, उसमें भी पेपटॉक शाहरुख खान ने दी थी अपने प्लेयर्स को, अपनी विमेन हॉकी टीम को, और उसके बाद वो मैच जीत जाते हैं। इस तरह का पेपटॉक मोमेंट और वो हडल मोमेंट नया शुरू हुआ है, जो गैरी कर्स्टन के आने के बाद हम लोगों ने देखा था, इंडियन टीम हडल कर रही थी, वो सब चीज़ें अब अहम हिस्सा हो चुकी है टीम का। लेकिन वीरू, मैं आपसे एक चीज़ बहुत सिंपल सी जानना चाहता हूँ, अगर भारत पहले बैटिंग करती है तो सबसे क्रूशियल आपके हिसाब से प्लेयर कौन होगा, और अगर बाद में बैटिंग करती है, चेस करती है, तो सबसे क्रूशियल कौन होने वाला है? आई थिंक दोनों ही स्थिति में, शायद मुझे लगता है दोनों ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन, अगर इन दोनों ने 8-10 ओवर बल्लेबाजी कर ली फिर शायद इंडिया का हारना मुश्किल है। जी, तो आप दोनों ओपनर्स पे बैट कर रहे हैं। बॉलर्स के बारे में अगर बात करूं तो जी, बॉलर्स कौन? बुमराह है, कुलदीप यादव है, मोहम्मद शामी है। जी चलिए, मेरे साथ ये विजुअल आप देख सकते हैं, टीम इंडिया अब होटल से निकल रही है, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, टीम इंडिया के अपने होटल से निकलने की तस्वीरें भी एबीपी न्यूज के पास आ गई हैं। देखिए टीम इंडिया होटल से निकलते हुए एक एक खिलाड़ी एक एक करके, रोहित शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, कुलदीप यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले मैच का आगाज होने वाला है। टीम इंडिया अपने होटल से निकल चुकी है, अगले 8 घंटे तक अभी ये स्टेडियम में है, तमाम प्लेयर्स को वहाँ इंडियंस मौजूद हैं, फैंस मौजूद हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। यजुवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, विजय शंकर, जो मैं देख पा रहा हूँ इन तस्वीरों में, एक एक करके आते जा रहे हैं हमारे सामने, केएल राहुल, ये सर पे हेडफोन क्यों लगाते हैं संदीप? ये गाना सुन रहे होते हैं या दूसरों की आवाज़ ना अंदर आए, कोई क्या बोल रहा है फैन, इसलिए अवॉइड करने के लिए? नहीं, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। ये सुनील गावस्कर भी काफ़ी इसमें ये थे कि उनको पसंद था गाना सुनना। वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो खुद गाना गाते थे, बल्लेबाजी करते समय भी गाना गाते। तो हर खिलाड़ी का अपना अपना तरीका होता है किस तरह से वो रिलैक्स हो सकता है। अभी ये जो ट्रेंड है, नया ट्रेंड है, जो लगाते हैं अपने खुद की जो पसंदीदा म्यूज़िक है, जो भी गाने हैं वो सुनते हैं, जिससे जो टेंशन होता है वो कम हो जाता है। मैंने तो ये भी सुना है कपिल पाजी, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि कुछ लोग होते हैं, कई बार जर्नलिस्ट होते हैं, पपराजीज होते हैं, वो कुछ कमेंट पास करते हैं, उसको भी अवॉइड कर दिया जाता है। अगर आप हेडफोन पे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। शायद हमारे वक्त ऐसा नहीं था, तो मुझे कोई अनुमान नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा बोला कि आप संदीप ने, कि आप अपने आप में खोना चाहते हैं, बड़ा मैच है, आप ज़्यादा जितनी भी कोई एक छोटी सी भी बात कह सकता है, आपके वो कानों तक जाती है, दिमाग से दिल तक जाती है, तो उसका असर काफ़ी देर तक जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, ये सब चाहते होंगे कि हम अपने जोन में हैं, इनको इस समय बताने की ज़रूरत नहीं है क्या करना, क्या अपने जोन में जा सकते हैं और अपनी क्रिकेट खेल सकते हैं, कि कभी कभी छोटा सा शब्द आपकी सोच बदल देता है। तो मैं, अच्छा लगता है कि अपने जहन में गाना सुनते हैं या मेडिटेशन है या क्या, ये मुझे नहीं मालूम, पर अपनी धुन में रहें कि हाँ आज बड़ा इम्तिहान है, हमें आज बड़ा मज़ा करना है, तो आई थिंक कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं है। एक चीज़ जो एज ए दर्शक हम सब जानना चाहते हो कि आप लोग कोर में रहते हैं इवेंट के, अब जब टीम होटल से निकलती है इस टाइम पे, तो प्लेयर्स को पता होता है कि कौन से फाइनल 11 है, क्या ये स्टेडियम में जाके ही उनके सामने पर्चे खुले? नहीं, 90% उस रात से पहले शाम को मीटिंग पे बता देते हैं, लेकिन अगर पिच में बहुत फर्क आ रहा है तो वो कहते हैं कि सुबह देखेंगे क्या माहौल कैसा है, भी पिच पे घास ज़्यादा भी है कि नहीं। हम फाइनल
वर्ल्ड कप 83 फाइनल हम आके सुबह टीम बनाई थी क्योंकि हम सोच रहे थे शाम को अभी घास काट देंगे, ये नहीं काटा, तो इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है टीम उस समय बनाना। लेकिन आजकल परिस्थितियों को जानते हुए ये कह देते हैं कि शायद आप खेल रहे हो या इन दोनों में से एक जना खेलेगा, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो इसके ऊपर फिटनेस, फिटनेस भी अगर किसी को निगल हो, अच्छा या किसी को तंदुरुस्ती का कुछ परेशानी है, इशू है, तो वहाँ पे भी निर्भर होता है। लास्ट मिनट पर रख देते हैं, कप्तान कोच डिसाइड करते हैं कि आप फिट हो, कि आप कितने परसेंट फिट हो, उससे भी तय हो सकता है। बिल्कुल, तो मोटे तौर पर 90% आदमी ये टीम को पता होता है जब होटल से निकल रहा है कि वो आज वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है। 90% केसेस में अमूमन ऐसा होता है। तो अभी जो टीम होटल से निकली है वो 10 मिनट के भीतर स्टेडियम में पहुंचने वाली है, साउथहैम्पटन में, जहां पर मेरे रिपोर्टर्स विवेक और कुंतल मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।